योगी मत बहन, शीघ्र ही देवी का चयन और ससुर का संहार कर देंगे। चलिए अब घर चलिए। सब महादेव की लीला है। एक ही है दोनों। मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, दोनों को अलग समझता रहा। मेरी अज्ञानता के कारण अनजाने में मैंने आपका जो तिरस्कार किया है महादेव, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। महादेव का नाम लेने मात्र से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, और आपने तो महादेव की पूजा कर ली। आप निश्चिंत रहिए, माता ने आपको क्षमा कर दिया होगा। तो फिर वो मेरे सामने प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही है? आप माता को पुकार कर उनको उनके उद्देश्य से दूर कर रहे हैं। माता ने कात्यायनी का अवतार महिषासुर के वध के लिए किया है, और उनका वो स्वरूप तभी सामने आएगा जब आप माता को उनके उद्देश्य की याद दिलाएंगे। माँ, 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 मेरी पुकार सुन लो माँ, महिषासुर का वध करो इस संसार को बचाने आ जाओ माँ, आकर इस महापापी महिषासुर का अंत करो माँ, संहार करो उसका। माँ, मैंने मित्र कात्यायनी के बाल स्वरूप धारण करने का कारण जान लिया है। माँ, क्या कारण है? मित्र ने कात्यायनी का बाल स्वरूप महिषासुर के वध के लिए धारण किया है। माँ, वही दुर्गा बनकर उसका वध करने वाली है। अब सारे संसार को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी। माँ, अब मित्र कात्यायनी को शीघ्र उनकी स्मृति और पार्वती स्वरूप वापस मिल जाएगा। माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मित्र कात्यायनी के पास जाना है। सुमति दी के विवाह तक नहीं रुकेगा शिव? मैं शीघ्र ही मित्र पार्वती के साथ वापस आऊंगा। माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। माँ, game।
आपको आपके वास्तविक स्वरूप में नहीं ला पा रहे महादेव। अब जब आप साथ नहीं है तो शरीर का भी कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए त्याग दूंगी मैं शरीर को सदा सदा के लिए। मेरी पुत्री बनकर मेरे पास आ जाओ माँ, अपना बाल रूप प्रकट करो। निश्चित ही आपकी कल्याणकारी इच्छा है महादेव कि मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर जन्म लूं। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी महादेव। इस संसार को बचाने आ जाओ माँ, बचाने आ जाओ, आकर इस महापापी महिषासुर का अंत करो माँ, संहार करो उसका, संहार करो। ये तो वही गुफा है जहां महादेव मुझे पहली बार लेकर आए थे। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं तस्येन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये सुरन्दाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारे। क्या हुआ पार्वती, तुम अपलक देखे जा रहे हो? जब भी आप गहरे ध्यान में होते हैं और जब भी मैं यहां आती हूं, जब भी आपको देखती हूं तो क्या हुआ गिरजा, तुम चुप क्यों हो गए? कहो। नहीं, वो कोई दुविधा है? हाँ महादेव, कभी कभी जब आप ध्यान में होते हैं और मैं आपको देखती हूं तो मुझे आपके गले में मुंडों की माला दिखाई देती है। सदैव नहीं, कभी कभी, कभी कभी क्यों दिखाई पड़ती है मुझे मुनमाला महादेव, बताइए ना। मन चंचल होता है पार्वती, प्राणी जैसा सोचता है मन वैसा ही दिखाता है। मैं नहीं मान सकती महादेव, मैं तो केवल आपको देखना चाहती हूँ, फिर क्यों मुझे वो मुनमाला दिखती है? आपको मुझे इसका कारण बताना ही होगा। गिरजा, ये जानना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें नदी में बहते तिनके के समान बह जाने देनी चाहिए। नहीं महादेव, मैं बिना जाने नहीं रह सकती, आपको मुझे इसका कारण बताना ही होगा। ठीक है गिरजा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अमरनाथ गुफा चलना होगा। जहां कहेंगे वहां चलूंगी। गौरी के मन की व्यथा शिव पहचाने, शक्ति बिना अधूरे शिव गिर जान जाने। सर्प चंद्र सब हुए अदृश्य है, गिरजा समझ न पाए ये क्या रहस्य है। युगो युगों से जो गौरी शिव के संग है, हर जन्म हर रूप शिव का अर्ध अंग है। विरक्त शिव है रिक्त गौरी के बिना, आज गिरजा का हुआ सच से सामना। कैसा स्थान है महादेव? हाँ तो केवल मुंड ही मुंड दिख रहे हैं। ये मुंड ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है गिरिजा। ये किसके